शमसुद्दीन उर्फ केमिकल को एनआईए कोर्ट ने जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया है जेल, जिसमें बोध गया सीरियल ब्लास्ट के आतंकी को रायपुर पुलिस ने रिमांड खत्म होने के बाद पेश किया एनआईए कोर्ट में। कोर्ट में आतंकी असरुद्दीन उर्फ केमिकल को जुडिशियल रिमांड और जेल भेज दिया गया है। तो खबर आपको बिलासपुर से बता रहे हैं, एनआईए कोर्ट में जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया जेल सीरियल ब्लास्ट का आरोपी है आतंकी केमिकल, जिसमें आपको बता दें बिलासपुर से बड़ी खबर मिल रही है, सिमी आतंकी असरुद्दीन रिमांड पर भेजा गया है सीरियल ब्लास्ट का आरोपी है आतंकी केमिकल अली। सिमी आतंकी असरुद्दीन उर्फ केमिकल अली को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे रिमांड पर भेजा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिलासपुर से, जहां सिमी के आतंकी असरुद्दीन उर्फ केमिकल को जेल भेजा गया और अब उसे रिमांड पर भेजा जा रहा है। सीरियल ब्लास्ट का आरोपी है आतंकी केमिकल अली। सिमी आतंकी असरुद्दीन उर्फ केमिकल को जेल भेजा गया और जेल में अब उसे रिमांड पर भेजा गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ प्रतिनिधि शैलेंद्र फोनलाइन पर जुड़ गया है। शैलेंद्र, क्या अपडेट मिल रहा है इस खबर पर? आज एनआईए कोर्ट में जो ये आतंकी अजरुद्दीन है और केमिकल, इसको आज पुलिस ने पेश किया, क्योंकि पुलिस की रिमांड जो है वो खत्म हो गई थी। इसके बाद इसको एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने रिमांड के दौरान इससे काफी पूछताछ की है, वो चीजें हालांकि अभी गर्भ में है, पुलिस ने उसको अभी डिस्क्लोज नहीं किया है। वो जब जेल अब आतंकी अजरुद्दीन जो है उसको न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायालय ने एनआईए की विशेष जो विशेष आतंकी को सुनवाई करने वाली विशेष कोर्ट है उसमें जेल भेज दिया वो दिन को। और अब मामले में जो उसकी पूछताछ हुई है, इससे क्या जानकारी मिली है, किस तरीके की चीजें सामने आ रही है, सीरियल ब्लास्ट में कैसे निर्माण हुआ, ये तमाम बातों का खुलासा पुलिस के पास बंद है। अब वो पुलिस उसको क्या इस्तेमाल करेगी, साजिश करती है नहीं करती है, ये एक बड़ा विषय है। लेकिन फिलहाल जो जो एनआईए कोर्ट की ने इसको जेल भेजने का आदेश दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं अयोध्या मामले की सुनवाई